They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told, don't blink, don't run. Hello, G. मैं शबनम इस्तकबाल करती हूँ आपका हमारी फैमिली फूड्स बेनिफिट्स में, जहाँ मैं फूड्स से रिलेटेड हर तरह के टॉपिक्स लेकर आती हूँ, उनके फ़ायदे नुकसान, कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए उन चीज़ों का, किस तरीके से आप उन चीज़ों को डाइट में शामिल कर सकते हो. मैंने अलग अलग टॉपिक्स पर भी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, बहुत से. आप उन वीडियोस को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं. इसके अलावा कुछ वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाली हुई है, सो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं वीडियोस को. एंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को हिट ज़रूर करना फ्रेंड्स, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आप कोई भी वीडियो मेरी मिस ना करें. ओके एंड गाइज, ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना. सो गाइज, टॉपिक पर आते हैं एंड बने रहिए मेरे साथ, एंड तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो को. फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी 11 ऐसे डाइट के बारे में, 11 ऐसे डाइट के बारे में, खाने की चीज़ों के बारे में जो एंटीऑक्सीडेंट के सबसे अच्छे सोर्स हैं, जिसके सेवन से बॉडी में GSH लेवल मीन्स ग्लूटाथियोन लेवल बढ़ता है. सो माई डियर फ्रेंड्स, देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक पर, बने रहिए मेरे साथ. लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, भूलना मत. एंड गाइज, एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बंद करने वाला एक मॉलिक्यूल है. ऑक्सीडेशन टिश्यू में होने वाला चेन रिएक्शन है जो टिश्यूज़ को डैमेज की ओर ले जाता है. फ्रेंड्स, हमारा शरीर टिश्यूज़ यानी कोशिकाओं से बना हुआ है. किसी भी टिश्यू की डैमेज से पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, पूरे हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स. लेकिन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाने की चीज़ें ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं, जिससे टिश्यूज़ हेल्दी रह सकते हैं. सो फ्रेंड्स, चलिए अब जान लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर उन खाने की चीज़ों के बारे में. सो फ्रेंड्स, नींबू एक सिट्रस फ्रूट्स का फैमिली मेंबर है जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का पावरफुल सोर्स है. ये आपके हेल्थ के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसके अलावा स्ट्रॉबेरी में भी भरपूर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है. फ्रेंड्स, मैंने अलग से आप लोगों के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स और इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक्स दोनों की ही वीडियोज़ बनाई हैं, जो इस कोरोना काल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोरोना वायरस इस सदी का फेमस महामारी है. पहला, आपने ये वीडियो अगर नहीं देखी है अब तक तो प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं मेरे उन दो वीडियोस को. इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन वीडियोस की, उससे भी आप देख सकते हैं. फ्रेंड्स, एक कटोरी स्ट्रॉबेरी के नियमित सेवन से कई रोगों से बचा जा सकता है. बॉडी में विटामिन सी का स्टोर नहीं होता है गाइज, सो प्रॉपर अमाउंट में इसका सेवन रोज़ करना चाहिए. मैंने विटामिन सी फूड्स पर भी एक वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. फ्रेंड्स, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, पिस्ता. ये विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट के बेहतरीन सोर्स हैं, एंड इसे स्ट्रेस में भी रिलीफ मिलती है, दिमाग शांत होता है. इसका जिक्र मैंने इसके पहले ही वाले वीडियो में किया है, आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में वो वीडियो है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं. मैंने 5 स्ट्रेस रिलीफ फूड्स के बारे में वो वीडियो बनाई है. इसके साथ ही डाइट में ब्रोकली को अपना पार्टनर बनाइए फ्रेंड्स, ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, लो कैलोरी फूड है जो वेट लॉस या वेट मैनेज करना चाहते हैं डाइटिंग पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सो ये उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है. गाइज, लो कैलोरी फूड्स पर भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिससे आपको अपने वेट लॉस जर्नी में या वेट मैनेज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी. वो वीडियो भी मेरी प्लेलिस्ट पर है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं. इसके साथ ही ब्रोकली में सेलेनियम होता है डियर फ्रेंड्स, जो टिश्यूज़ के नुकसान से लड़ने में मदद करता है. इसको आप सैलड के रूप में डाइनिंग टेबल पर रखें, इससे आपकी डाइनिंग टेबल अट्रैक्टिव भी दिखेगी, राइट. या आप उसकी सब्जी बना सकते हैं, या बॉयल या बेक भी करके खा सकते हैं. आप इसके अलावा एग्स लें, मछलियाँ लें जिनमें भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप हर तरह की मछलियाँ ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि वो अधपकी ना हो या बहुत ज़्यादा तली भुनी ना हो. मछलियाँ, मैंने पहले भी वीडियोस में कही थी कि मछलियों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है या अधपकी भी नहीं खाना है. इसके अलावा
आप ब्राउन राइस लें, तरबूज लें, पके केले लें, बीन्स लें, मीन्स सोया बीन्स जो होती है, बीन्स के प्रोडक्ट्स लें फ्रेंड्स। ब्राउन राइस ग्लूटेन फ्री होता है एंड ग्लूटेन फ्री फूड्स पर भी एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। ग्लूटेन डाइट क्या है, उसके क्या नुकसान होते हैं और ग्लूटेन फ्री डाइट कौन से हैं, ओके, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो के जरिए मिल जाएगी। सो आप वहां से उसे देख सकते हैं। एंड तरबूज ग्लूटाथियोन का एक समृद्ध स्रोत है फ्रेंड्स, जो बॉडी टिश्यूज को टॉक्सिन्स से प्रोटेक्ट करता है, ओके। एंड हम लोग ग्लूटाथियोन फूड्स पर ही बात कर रहे हैं, मीन्स एंटीऑक्सीडेंट्स पर ही हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, जो वाइन्स के शौकीन है वो सारे वाइन्स को छोड़कर रेड वाइन को नियमित मात्रा में लें, ओके। घबराएं नहीं, ये कोई दूसरी चीज नहीं बल्कि काले रंग के अंगूर से तैयार होती है ये रेड वाइन, जिसमें पॉलीफेनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में होता है डियर फ्रेंड्स। इसी रीजन से ये ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बंद करने में हेल्प करता है। जो केला बहुत पक जाता है अक्सर लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं क्योंकि वो आंखों को नहीं भाती, अट्रैक्ट नहीं करती, पर क्या आप जानते हैं वही पका केला एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा सोर्स है फ्रेंड्स। यस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने में ये एक बड़ा रोल प्ले करता है गाइस। सो ये थे वो 11 एंटीऑक्सीडेंट फूड्स, ग्लूटाथियोन फूड्स, जिससे आपके शरीर में ग्लूटाथियोन लेवल बढ़ सकता है। एंड इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड होती है गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शो सम लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी गाइज, एंड सपोर्ट मी इन दिस जर्नी। एंड फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स टू माई सब्सक्राइबर्स ऑल्सो, एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।